नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल के उन पार्ट्स के बारे में जो अलग अलग देश और कंपनीज द्वारा बनाए जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके अलग अलग पार्ट्स कहां से आते हैं, कौन सा पार्ट किस कंपनी ने बनाया है और कहां बनाया है? इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उनके पीछे की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की, जिसे हम फोन का दिमाग भी कह सकते हैं। ये वो पार्ट है जो आपके फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। मार्केट में आपको अलग अलग कंपनीज के प्रोसेसर्स मिलेंगे, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एप्पल का ए सीरीज प्रोसेसर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स बहुत पॉपुलर हैं और ये यूएसए में बनाए जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। मीडियाटेक प्रोसेसर्स भी काफी पॉपुलर हैं, खासकर बजट फोन्स में। ये ताइवान की कंपनी है और इनके प्रोसेसर्स अफोर्डेबल होने के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। एप्पल के ए सीरीज प्रोसेसर्स सिर्फ आईफोन्स में ही आते हैं और ये अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जहां आप सब कुछ देखते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत अफेक्ट करती है। सैमसंग अपने डिस्प्लेज के लिए बहुत फेमस है और ये साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग के एमोलेड डिस्प्लेज वाइब्रेंट कलर्स और डीप ब्लैक्स के लिए जाने जाते हैं। LG भी डिस्प्लेज बनाता है और इनके डिस्प्लेज भी काफी अच्छे होते हैं। LG साउथ कोरिया की कंपनी है और ये IPS LCD डिस्प्लेज के लिए जानी जाती है। जापान की कंपनी जापान डिस्प्ले इंक JDI भी डिस्प्लेज बनाती है और इनके डिस्प्लेज काफी फोन्स में यूज होते हैं। आजकल तो फोल्डेबल फोन्स का जमाना है और इनमें फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज का यूज होता है। ये डिस्प्लेज बनाने में सैमसंग और LG आगे हैं। बैटरी के बिना तो फोन का कोई मतलब ही नहीं है। बैटरी लाइफ आपके फोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। LG केम साउथ कोरिया की कंपनी है और ये बैटरीज बनाने वाली टॉप कंपनीज में से एक है। इनकी बैटरीज आपको काफी फोन्स में मिल जाएंगी। सैमसंग SDI भी बैटरीज बनाता है और ये भी साउथ कोरिया की कंपनी है। इनकी बैटरीज भी काफी रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। चाइना की कंपनी BYD भी बैटरीज बनाने में काफी आगे है और इनकी बैटरीज काफी फोन्स में यूज होती हैं। आजकल फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का जमाना है और ये फीचर्स बैटरीज की टेक्नोलॉजी में हुए एडवांसमेंट्स की वजह से पॉसिबल हुए हैं। आंखें जो यादों को कैप्चर करती हैं। आजकल तो फोन का कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सेल्फी हो या फिर कोई खास मोमेंट कैप्चर करना हो, कैमरा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोनी जापान की कंपनी है और ये कैमरा सेंसर्स बनाने वाली टॉप कंपनीज में से एक है। सोनी के सेंसर्स अपनी इमेज क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। सैमसंग भी कैमरा सेंसर्स बनाता है और इनके सेंसर्स भी काफी अच्छे होते हैं। सैमसंग के सेंसर्स अपनी लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ओमनीविजन भी कैमरा सेंसर्स बनाता है और ये USA की कंपनी है। इनके सेंसर्स काफी फोन्स में यूज होते हैं। आजकल तो फोन्स में मल्टीपल कैमराज आने लगे हैं, जैसे कि वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, मैक्रो कैमरा एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर रूह जो फोन को जिंदा रखती है। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी फोन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर ही वो चीज है जिससे आप इंटरैक्ट करते हैं और अपने फोन को यूज करते हैं। गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड USA में डेवलप किया जाता है और ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी कंपनी इसे अपने फोन में यूज कर सकती है। एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ आईफोन में ही आता है। iOS अपनी सिंप्लिसिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए जाना जाता है। Huawei का Harmony OS भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि चाइना में डेवलप किया गया है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बग्स को फिक्स करते हैं, न्यू फीचर्स लाते हैं और आपके फोन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल पार्ट्स और उन्हें बनाने वाली कंपनीज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।